गुड मॉर्निंग ऑल ट्रेनीज, माई सेल्फ यशवंत कुमार फ्रॉम चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया। आज हम इस वीडियो में सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत दृष्टांत कौशल भाग दो के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। पाठ योजना संख्या एक, शिक्षण। जैसा कि प्रस्तुत पाठ योजना के प्रारूप द्वारा यह अंकित है, जैसे संस्थान का नाम, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, दिनांक, उसके नीचे फिर है कक्षा, मध्य में विषय, जैसे लिखा है हिंदी, फिर उसके नीचे उपविषय, लेख, कहानी या गद्य, फिर उसके नीचे प्रकरण, महात्मा गांधी, कालांश प्रथम, समय 6 मिनट, और उसके नीचे फिर शिक्षण और पुनः शिक्षण। तो शिक्षण के संदर्भ में हम आज अध्ययन करेंगे। तो शिक्षण की पाठ्य योजना से सबसे पहले हम कुछ नियम और शर्तों का जानना आवश्यक है। जैसे सबसे पहले हम ये जब पाठ योजना का निर्माण करते हैं तो पाठ योजना का शिक्षण अभ्यास करते समय जो समय का अंकन किया जाता है वह कब से काउंट किया जाता है या गणना की जाती है, इस संदर्भ में हम जानना चाहेंगे। तो अपनी प्रस्तुति देने से पहले जो सांपट कार्य पूर्ति होती है, जैसे ऊपर जो प्रारूप में अंकित है, संस्था का नाम है, उसके नीचे छात्राध्यापक का नाम है, उसके नीचे फिर देखते हैं दिनांक है और कक्षा अंकित है, मध्य में हिंदी विषय में, उसके नीचे उप विषय में लेखे गद्य, और प्रकरण में अंकित है महात्मा गांधी। प्रकरण को सिंगल इंडेंटेड कॉमा के अंतर्गत लिखते हुए फिर अंडरलाइन करते हैं, जिससे कि स्पष्ट रूप से प्रकरण दिखाई दे, और लास्ट में जो राइट साइड के श्यामपट के अंतिम बिंदु पर लिखते हैं कालांश, जैसे इसमें प्रथम लिखा है, फिर उसके नीचे समय 6 मिनट है और शिक्षण। इस प्रकार श्यामपट पूर्ति करने के पश्चात जब हम पाठ्य योजना को प्रारंभ करते हैं, अर्थात जब हम प्रश्न पूछते हैं, तब से शिक्षण के समय का अंकन किया जाता है। अब प्रारूप देखने से यह विदित होता है कि यह 4 खंडों में विभक्त है। पहले खंड में है क्रम संख्या, जिसमें हम प्रश्नों का क्रमवार अंकन करते हैं। दूसरे कॉलम में है छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रियाएं, तीसरे कॉलम में छात्र क्रियाएं, और चौथे कॉलम में सहायक सामग्री या श्यामपट कार्य अंकित करते हैं। अब निर्देश देते हैं, जैसा इसमें लिखा है कि चित्र दिखाते हुए पहला प्रश्न जब करते हैं
तब से समय का मापन 6 मिनट के लिए करते हैं और यह विशेष ध्यान देना होता है, जैसे अब हम प्रारंभ कर रहे हैं कि हमारे देश के राष्ट्रपिता का नाम क्या है। उत्तर में जो छात्र देते हैं तो उत्तर में है महात्मा गांधी, लेकिन यह महात्मा गांधी अधूरा उत्तर है, पूर्ण उत्तर न होने के कारण पुनः प्रश्न को फिर रिपीट किया जाता है और पुनः प्रश्न में पूछा जा रहा है पूरा उत्तर दें, अधूरा उत्तर अपेक्षित नहीं है, अर्थात अल्प उत्तर या अधूरा उत्तर मान्य नहीं है। अब छात्र पूरा उत्तर प्रश्न को रिपीट करते हुए फिर देता है, हमारे देश के राष्ट्रपिता का नाम महात्मा गांधी है। इसी क्रम को फिर आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? छात्र उत्तर देता है, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, चौथा होगा, 2 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? छात्र क्रियाएं में उत्तर मिलता है, 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, गांधी जी कौन सा सुधार कार्य किया है? गांधी जी समाज सुधार कार्य किया है। और अब छठा जो प्रश्न होता है वह है, सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया? प्रत्युत्तर में सत्याग्रह आंदोलन बिहार राज्य के चंपारण जिला से शुरू हुआ था। लास्ट में सातवां क्वेश्चन अंतिम होगा, जो छात्राध्यापक द्वारा किया जा रहा है, गांधी जी के बारे में आप क्या जानते हैं? प्रत्युत्तर में प्रॉब्लम्स है, समस्यात्मक है, नो आंसर या मौन, इस प्रकार से 6 मिनट का समय निर्धारित होता है और इसी 6 मिनट में ही हम चांपट कार्य करते हैं। जैसे इसमें सहायक सामग्री में महात्मा गांधी का चित्र एक दिखाते हुए फिर प्रश्न को उत्तप करते हैं और जो मुख्य बिंदु है वो हम ब्लैक बोर्ड पर जो तीसरा लास्ट का कॉलम है वो यहाँ अंकित करते हैं और अंकित करने के बाद फिर छात्रा अध्यापिका या छात्रा अध्यापक द्वारा निर्देश दिया जाता है। आज हम सब महात्मा गांधी नामक प्रकरण के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से 6 मिनट पूरा करने के पश्चात पाठ को फिर समापन किया जाता है और पर्यवेक्षक टिप्पणी जो नीचे दी जाती है वो लिखा जाता है कि पहली बार जो शिक्षण में तमाम विविध प्रकार की त्रुटियां रह गई हैं, अर्थात प्रश्न व्यवस्थित रूप से जो किया गया है उसका व्यवस्थित रूप से उत्तर न मिल पाना, आधा अधूरा उत्तर मिलना, या फिर प्रश्न को हम जो पाठ्यवस्तु के अनुरूप का समावेश न करना या निर्माण न करना,
प्रश्न सारगर्भित ना होना, ये सब बातों पर भी ध्यान देते हैं। तद अनुरूप जो पाठ योजना का निर्माण हमने किया है, उस पाठ योजना को हम प्रेजेंटेटिव कैसे कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन कैसे कर रहे हैं, प्रस्तुतिकरण करते समय भी हम अपने क्वालिटी को, अपने प्रोफेशन को, अपनी गुणवत्ता को भी बढ़ाने के लिए यही ऑब्जर्वेशन प्रतिपुष्टि का होना अपेक्षित है। अब नीचे फिर पर्यवेक्षक द्वारा किए गए शिक्षण अभ्यास कार्य में जो त्रुटियां देखी हैं, उन त्रुटियों को नीचे वो अंकित करता है और फिर यहाँ पर जो निरीक्षण सूची के आधार पर मूल्यांकन करता है और मूल्यांकन के आधार पर यहाँ पर वो विभिन्न अपने विचारों को सुधार हेतु शिक्षण में वो विचार प्रस्तुत करता है जो कमियाँ उन्होंने देखा, और फिर उन कमियों को पढ़ करके फिर हम पुनः शिक्षण अभ्यास करने के लिए जो पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं उसमें यह ध्यान देना विशेष जरूरी होता है कि जो पहले शिक्षण कार्य किया गया है उसमें अब दोबारा वो कमियां ना हों, जैसे फिर हमारा पहले जैसा शिक्षण न रहे और अधिक प्रभावपूर्ण रहे। इसलिए हम उन कमियों को विशेष तौर से ध्यान देते हुए पुनः शिक्षण कार्य करते हैं। फिर पुनः शिक्षण कार्य करने से पहले हमें उन समस्त संसाधनों को, अर्थात टीचिंग एड, TLM को, सहायक सामग्री को व्यवस्थित रूप से अपने शिक्षण कार्य हेतु व्यवस्थित कर लेना होता है और यह ध्यान देते हैं कि जहाँ पर जिस समय हमें उन सामग्रियों का प्रयोग करना होता है हम वहीं पर वो सामग्री करें और जितनी ज़रूरत है, जितना समय के लिए वो प्रभाव अपना शिक्षण पर डाल पाए, उतना ही समय हम उस शिक्षण सामग्री को प्रयोग करें। तत्पश्चात उस शिक्षण सामग्री को एकत्रित एक स्थान पर रख देते हैं। जब पुनः फिर उस शिक्षण सामग्री की ज़रूरत होती है तो हम फिर पुनः उसका उपयोग करते हैं। इस प्रकार से प्रथम शिक्षण अभ्यास में जब पहले शिक्षण कार्य या शिक्षण अभ्यास कार्य करते हैं तब यह विशेष जानकारी नहीं होती है। जानकारी जब तक फीडबैक नहीं मिलता है तब तक हमें अपनी कमियों को आभास नहीं होता है और यही कारण है कि हम शिक्षण अभ्यास कार्य को बेहतर बनाने के लिए प्रतिपुष्टि जरूरी है और प्रतिपुष्टि के माध्यम से ही शिक्षण कार्य में सुधार किया जा सकता है। तो इस प्रकार से शिक्षक जो ऑब्जर्व किया उन्हीं कारणों को सुधार हेतु वो घटक के रूप में नहीं बल्कि वो पर्यवेक्षक टिप्पणी सुझाव के रूप में अंकित मेरे लेसन प्लान या अभ्यास पुस्तिका की डायरी में क्रमशः 1, 2, 3 चर के वो अंकित करता है और हम उस लिखे गए टिप्पणी को व्यवस्थित रूप से पढ़ करके फिर प्रयास करते हैं बेहतर तरीके से हम अभ्यास करते हुए पुनः अपने शिक्षण को प्रस्तुत करते हैं, जिससे कि पहले की तुलना में यह अधिक बेहतर और प्रभावपूर्ण शिक्षण कार्य हो। इसी क्रम को हम सूक्ष्म शिक्षण क्रम या सूक्ष्म शिक्षण एक जो नवाचार है शिक्षण में एक सशक्त माध्यम है, इसका सही
रूप में अनुपालन करते हैं। और आज के वीडियो में जो हमने पुनः शिक्षण के संदर्भ में इस पाठ योजना का जो प्रारूप आपके सामने प्रस्तुत किया है, इस प्रारूप को हम वही पुनः शिक्षण में भी प्रस्तुत करेंगे। सेम यही क्वेश्चन और यही जो योजना पद्धति प्रारूप यही होगा, प्रश्न भी यही होगा, प्रकरण भी यही होगा, सेम चीज़ें यही हम पुनः अभ्यास करते हैं, जिससे कि पुनः अभ्यास शिक्षण में यदि हम पाठ योजना के प्रकरण को बदल देते हैं तो वह एक नवीन समस्याओं से अवगत होंगे। और ये जो पर्यवेक्षण द्वारा दी गई टिप्पणी है, पर्यवेक्षण से जो उन्होंने हमें सुझाव देने का प्रयास किया है सुधार हेतु, वह कमी बनी की बनी रह गई। इसलिए पुनः पाठ योजना शिक्षण अभ्यास में हम सेम इसी पाठ योजना को पूर्ण तैयारी के साथ पूरी कमियों को दूर करते हुए पुनः अभ्यास करते हैं। इसीलिए पहले हम शिक्षण के अभ्यास के द्वारा हम अवगत होते हैं। अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, शेष हम नेक्स्ट वीडियो में पुनः शिक्षण अभ्यास के लिए पाठ्य योजना का पुनः निर्माण करेंगे और फिर पुनः पढ़ाएंगे, त्रुटि रहित अभ्यास करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस वीडियो को विराम देता हूँ। धन्यवाद।